हेलो एवरीवन, वेलकम टू के आर एस सक्सेस शॉर्ट। के आर एस सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 7B ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इफ टैन इज इक्वल टू एन टैन बी एंड साइन इज इक्वल टू एम साइन बी, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको ये दिख रहा होगा कि जो हमें प्रूफ करना है उसमें यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन, यानी कि एम और एन का यूज़ हमें करना है और एम और एन की वैल्यू हमें यहाँ से मिल सकती है। तो क्यों ना हम अगर राइट हैंड साइड लेकर के चलें तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे तो भी ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला गिवन है आपको टेन ए इज इक्वल टू एन टेन बी। तो यहाँ से अगर हम एन की वैल्यू निकालना चाहें तो ये निकल सकती है टेन ए अपॉन टेन बी, क्योंकि कॉस में वैल्यू चाहिए तो इसे हम पहले ही चेंज कर लेते हैं साइन कॉस में। तो ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए और ये हो गया साइन बी अपॉन कॉस बी, और एन की वैल्यू यहाँ से हो गई साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू साइन बी। ये रही एन की वैल्यू। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं एम की वैल्यू। ये आपको दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू एम साइन बी। यहाँ से अगर m की वैल्यू निकालेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये बचेगा आपका साइन ए अपॉन साइन बी। ये वैल्यू पहले से ही आपका साइन के टर्म में है तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब हम यहाँ से लेके चलते हैं राइट हैंड साइड, जो कि वैल्यू है एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। तो कर लेते हैं इसका स्क्वायर हम यहाँ पे, और ये m की वैल्यू है आपकी साइन ए अपॉन साइन बी, मतलब कि इस वाली वैल्यू का हमें स्क्वायर करना होगा। तो ये वाली वैल्यू का स्क्वायर हुआ ये माइनस वन, उसके बाद से एन स्क्वायर, एन वाली जो वैल्यू है वो भी लिख लेते हैं साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी, इस वैल्यू का स्क्वायर करना है और ये हुआ माइनस वन। अब सॉल्व कर लेते हैं कि सारा मल्टीप्लिकेशन में ही है ये। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका जो वैल्यू होगा ये होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस वन। अब लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। हम एलसीएम लेने के बाद से जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी, और ये वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अपॉन में जो वैल्यू आएगी वो आएगी कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब इसके बाद से हमें इसे सॉल्व करना है और कॉस स्क्वायर ए लेके आना है, तो फिर देख लेते हैं कैसे होता है ये। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में जाएगी तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। यहाँ के बाद से हम करते क्या है, देखिए यहाँ पे अब इसके बाद से कोई भी वैल्यू ऐसी कटने वाली नहीं दिख रही है, तो जो वैल्यूज यहाँ पे है उसे हम एज इट इज लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये ब्रैकेट में करने के बाद से बाहर लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए। लेकिन जो नीचे वाली वैल्यूज हैं इसे देखिए एक बार आप, ये साइन स्क्वायर ए और जो कॉस में है उसे हम लिख लेते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर में, तो ये हुआ वन माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब इतना करने के बाद से हमारे पास इधर जगह नहीं बचा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से जो आपकी एक वैल्यू है इसे हम इरेज कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू को इरेज करते हैं। अब इसके बाद से जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे जो बचेगा वो हमारे पास बच रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, और अंडर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, देखिए तो क्या बचता है, ये बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस वन प्लस। अच्छा देखिए ये माइनस है तो माइनस के साथ जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे ये माइनस है और ये साइन स्क्वायर बी है, तो ये होगा साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस मिलके प्लस होगा तो ये होगा प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी।
अब इसके बाद से ये वाली वैल्यू प्लस में है और ये वाली वैल्यू माइनस में है, ये दोनों हो जाएगा आपका कैंसिल। तो हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू बच रही है वो बच रही है कॉस स्क्वायर ए, और यही है आपका लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमें प्रूव करना था। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन अगर अगर आप इसमें रूल्स जो हैं, जो भी आपके प्रोसेस हैं, जो भी आपका फॉर्मूला है, अगर उसे आप इसे लगाते हुए चले गए हैं, देखिए आपको बहुत ही आसानी से ये रिजल्ट यहाँ पर हमें मिल गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।